अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिश कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक पास्ता। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। देखिए फ्रेंड्स, देखने से ही हमारा एक पास्ता कितना यम्मी लग रहा है। जैसे मैं बता रही हूँ वीडियो में, वैसे ही आप भी ट्राई करें तो आपका भी इतना ही अच्छा लगे। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है आप एक बार देख लीजिए। हाई फ्लेम पर पैन लगकर एक उसमें एक ग्लास पानी डालकर हम उसमें साथ ही ऐड करेंगे। एक चम्मच साल्ट ऐड कर उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे हमारे पानी में। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम साथ ही ऐड करेंगे एक चम्मच जितना ऑयल। ऑयल डालने से हमारे पास्ता आपस में नहीं चिपकेंगे, इसलिए ज़रूर से डालिएगा आप। अब हम ढककर 10 मिनट तक वेट करेंगे, पानी उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से 10 मिनट में हमारा पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें एक कप जितना पास्ता लेकर अच्छी तरीके से पानी में मिक्स करेंगे, वरना हमारे पैन में लगने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसीलिए साथ ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 4 मिनट तक इसी तरह हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर 10 लहाजन के लिए पकने देंगे। चलिए फ्रेंड, चेक करते हैं हमारा पास्ता अच्छी तरीके से कुक हुआ है या नहीं। हमारा पास्ता अभी कुक नहीं हुआ, इसीलिए हम और 5 मिनट पका लें। चलिए फ्रेंड्स, फिर से चेक करते हैं। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता भी अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे। एक छन्नी लेकर उसमें डालकर अच्छी तरीके से उसका पानी निकाल लें, थोड़ा सा भी पानी नहीं चाहिए हमें। अब हम एक साइड पर पैन लेकर उसको लो फ्लेम पर हम 4 टेबल जितना ऑयल डालकर उसको अच्छी तरीके से प्रीहीट कर लेंगे। हमारा पैन अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसमें मेथी पत्ता डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही ऐड करेंगे एक फाइन चॉप किया हुआ एक प्याज, उसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट अच्छी तरीके से इसको भून लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चॉप किया हुआ टमाटर, इसमें हम टमाटर को ऐड कर अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भूनें। अच्छी तरीके से हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच साल्ट। साल्ट ऐड करने के बाद साथ ही हम इसको भूनेंगे। हमारे टमाटर अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। अब साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद हम साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, उसको भी अच्छी तरीके से डालें। उसको अब हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको भून लें 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर, इसको भी डालकर अच्छी तरीके से भून लें 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक हमारा अंडा, उसको अच्छी तरीके से तोड़कर इसमें डाल लें। उसको डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक। अच्छी तरीके से हम इसी तरह हम चलाते हुए इसको भून लेंगे हमारा अंडा, जब तक अच्छी तरीके से पकना चाहे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते ही रहिएगा, वरना हमारा अंडा पैन में लग जाएगा, इसीलिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते रहिएगा। अब हमारा अंडा अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा गलाकर लग लिए है वो पास्ते को ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद हम चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करते हैं 1, 2, 3 मैगी मसाला। 1 टेबल जितना मैगी मसाला भी इसमें ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह कुक होने के लिए रख देंगे। लास्ट में ऐड करेंगे 1 टेबल जितना लेमन जूस, को मिक्स करें।
हमारा पास्ता अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। हम पास्ते को अच्छी तरीके से सर्व कर चुके हैं, अब हम इसको अच्छी तरीके से गार्निशिंग करने के लिए हरा धनिया यूज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।